बुरहानपुर जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजर के द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला हमीदपुरा में कॉलोनी में एक ही प्लॉट को दो लोगों के बेचने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें हितग्राही महेंद्र बघेल द्वारा कॉलोनाइजर की शिकायत लेकर जनसुनवाई में शिकायत की गई। बुरहानपुर जिले के हमीदापुर में कॉलोनाइजर फातिमा बी के मुख्तियार फरीद सेठ और अन्य साथियों के द्वारा एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री दो लोगों के नाम करने का मामला प्रकाश में आया। इसकी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे महेंद्र सिंह बघेल, जिन्होंने तहसीलदार को शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोर्ट की शरण लेंगे। मेरा मूल आरोप यह है कि मेरी ज़मीन पर वो निर्माण कर रहा है, वो रुकना चाहिए। और जो कॉलोनाइजर जो फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरह से एक एक भूखंड को दो दो बार बेच रहे हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। इन पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जनसुनवाई में क्या अधिकारी ने आपको अधिकारी ने मुझसे कहा है कि उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार करके SDM साहब से मिलने का कहा है, और मैंने कहा है कि पहले तुरंत आप वो निर्माण कार्य रुकवाइए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप SDM साहब से जाकर मिल लीजिए और आपका निर्माण कार्य हम रुकवाते हैं, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। माइनसी एजेंसी के नाम पर 44,400 जमीन है ना, अभी सबसे पहले तो इनका नक्शा कटा नहीं है, तो जी वो इतने समझाई देंगे कि आप सबसे पहले सीमांकन करा के अपना नक्शा कटवा लें। सर शिकायत क्या है इनकी? इनकी एक शिकायत है कि मेरी जमीन पे बनवा रहे हैं, पर इनको सबसे पहले इनको अपनी जमीन की जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका नक्शा कटा होना चाहिए। हमने राय दी मेरी चतुर चतुर सीमा का निर्धारण।